हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहा हूँ टोनर एक्सल क्रीम की। ये क्रीम के क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको कब और कैसे यूज़ करें, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँची रहे। गाइस, टोनर एक्सल क्रीम काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आती है। ये 30 ग्राम की ट्यूब में आती है। इसका प्राइस है अप्रॉक्स 175 रुपीज़। 2 साल की एक्सपायरी मिल जाती है। इसको क्योरवेल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। वहाँ पर ना मिले तो आप ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हो। ये क्रीम मेडिकल क्रीम है विथ मॉइस्चराइजर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये क्रीम इफेक्टिव है दाग धब्बों के लिए। जिन लोगों को डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, झाइयाँ की प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव क्रीम है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट का यूज किया गया वो काफ़ी इफेक्टिव है स्पॉट्स वगैरह के लिए। इसमें यूज किया गया हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन, टेटिनोन। हाइड्रोक्विनोन स्किन कलर को इम्प्रूव करता है, साथ ही दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही अनुभिन्न स्किन टोन की प्रॉब्लम को दूर करता है। टेटिनोन आपके डल स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी ऊपरी डेड स्किन का सफाया करता है, पिंपल को रिड्यूस करता है, स्किन पर नई जान लाने का काम करता है। मोमेटासोन एक कार्डियोस्टेरॉइड है, ये इंफ्लामेशन के ऊपर काम करता है, स्किन के रेडनेस, स्वेलिंग, इचनेस को कम करता है। ये क्रीम स्किन पर इजीली ऑब्जर्व हो जाती है, स्किन को ड्राई नहीं करती है क्योंकि विथ मॉइस्चराइजर है। ये क्रीम को ऑल स्किन टाइप वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें। ये क्रीम को आपको नाइट में यूज़ करना है। पहले अपने फेस को यू वॉश कर लेना, उसके बाद भी अमाउंट साइज लेके ओनली इफेक्टेड एरिया में ये क्रीम का यूज़ करना है। डे टाइम आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, साथ ही सनस्क्रीन का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप की क्रीम यूज करने से स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप सनस्क्रीन का अप्लाई नहीं करते हो और अगर आप बाहर डायरेक्ट सनलाइट में जाते हो तो स्किन बर्न होने के चांस रहता है। इसलिए जब भी आप इस टाइप की क्रीम यूज़ करते हो तो सनस्क्रीन का अप्लाई मस्ट है। सनस्क्रीन सन के हार्मफुल यूवी रेज से आपकी स्किन को बचा के रखेगी। गाइस, रिजल्ट की बात करें तो 4 से 5 दिनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये क्रीम को डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना यूज़ करते हो तो पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। कान के पीछे लगा कर देख सकते हैं आपकी स्किन पर किसी तरह का इरिटेशन या जलन तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करें। गाइज, ये क्रीम को ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करना है। 6 से 7 हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ देना। अगर आप ये क्रीम को यूज़ करते हो, ओवरडोज यूज़ करते हो, तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है, फेस से लहराने के भी चांस रहते हैं। ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सही मात्रा में यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है। अगर आपको ये क्रीम यूज़ करने से स्किन जल रही है, स्किन पर किसी प्रकार का इरिटेशन हो रहा है, तो तुरंत मुंह धो लेना, उसके बाद ही एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। गाइज, आपको ये बात का ध्यान जरूर रखनी है। तो इस टाइप की क्रीम स्किन पर दाग धब्बे होने से यूज़ करना है। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।